कोविड प्रोटोकॉल के दौरान पहली बार शुरू हुए कॉलेजों में आज सुबह से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक महाविद्यालय हमीरपुर में छात्रों ने शिरकत की। इस दौरान छात्र छात्राओं का महाविद्यालय परिसर में पहुंचने पर गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की गई तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाया गया और कोविड प्रोटोकॉल के तहत कक्षाएं आयोजित की गई हैं। वहीं महाविद्यालय में पहले दिन पहुंचे छात्रों ने महाविद्यालय में पहुंचने पर खुशी जाहिर की है। महाविद्यालय प्रिंसिपल अंजू बत्ता सहगल के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल में लंबे अंतराल के बाद कक्षाएं लगाई हैं, जिसके लिए पूरी योजना के तहत शिफ्ट में छात्रों को कक्षाओं में बुलाया है। महाविद्यालय के पहले दिन पहुंचे छात्रों ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पहले ऑनलाइन में सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज से महाविद्यालय शुरू होने से ढंग से पढ़ाई हो सकेगी। उन्होंने बताया कि कक्षाओं के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन रखा जा रहा है। मेरा नाम अक्षत राणा है, मैं BSc फर्स्ट ईयर मेजर फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आज से हमारा कॉलेज का पहला दिन है, तो हमें कॉलेज जैसे कि हमारे एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं, तो हमारे डाउट्स भी क्लियर होंगे जब हम कॉलेज आएंगे। ऑनलाइन स्टडीज़ में जैसे कि हमारे नेटवर्क इशू रह रहा था, तो मेरे ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, और जैसे कि हमारे कॉलेज कंटिन्यू हम टीचरों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं अच्छे ढंग से, और हमारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। जैसे कि अब हमें ये होना चाहिए कि हमारे कॉलेज रेगुलर लगे रहने चाहिए। तो जैसे कि कोविड के चलते अब हमारे कॉलेज खुल गए हैं, तो हमारी स्टडी अच्छे से हो पा रही है। जैसे हम घर में ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ते थे, तो हमारा नेटवर्क इशू, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की वजह से हमारी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती थी, जिससे काफ़ी विद्यार्थियों को भी पढ़ने में दिक्कत आती थी। तो अब जैसे स्कूल खुल गए हैं, तो पेपर भी आ रहे हैं, तो हमारी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। अब कोविड के चलते हमें पूरी SOP की हम पूरे निर्देश का ध्यान रखते हुए कॉलेज में आ रहे हैं। बाहर सैनिटाइजेशन हो रही है, थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रही है, और सभी बच्चों ने मास्क वगैरह पहने हुए हैं और सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। और आज मेरा कॉलेज में फर्स्ट डे है, और मतलब ऑनलाइन क्लासेस से वैसे तो अच्छी हैं, बट नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं और बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं घर में, और फोकस भी नहीं हो पाता है घर में। और कॉलेजेस लग जाएंगे तो फोकस भी बना रहेगा और अच्छे से पढ़ाई भी हो पाएगी, और टीचर्स से जो डाउट रिमूवल होते हैं वो अच्छे से पूछ भी सकते हैं टीचर्स से फेस टू फेस, ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में नहीं पूछ पाते हम। सो ऑनलाइन क्लासेस वैसे नहीं लगनी चाहिए, कॉलेजेस शुरू हो जाने चाहिए। मास्क लगाने ज़रूरी है, उसके बाद हमने हैंड सैनिटाइजर भी साथ में रखा है, और डिस्टेंस भी पूरा मेंटेन की रखा है हमने। महाविद्यालय प्रिंसिपल अंजू बत्ता सहगल ने बताया कि कॉलेज शुरू हुआ है और कॉलेज में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि SOP के तहत सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई जा रही है, तो कक्षाओं का संचालन भी शिफ्ट के अनुसार ही किया जा रहा है। लंबे अंतराल के बाद महाविद्यालय हमीरपुर आज बच्चों के लिए इन पर्सन क्लासेस के लिए खुला है, और हमने बच्चों को कम संख्या में आएं और अच्छी शिक्षा पा के जाएं और सेफ रहें, इसके लिए एक SOP तैयार किया, और उसी हिसाब से माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करते हुए हमने शिफ्ट्स में बच्चों को बुलाया है। जो PG के कोर्सेज हैं इस महाविद्यालय में, 7 सब्जेक्ट में PG कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज चलते हैं, उनके हमने सारे बच्चों को बुलाया है, ताकि उनके प्रैक्टिकल क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, तो वो हमने सभी के सभी बुलाए हुए हैं, और वो क्लासेस उनके नियमित तौर से शुरू करवा दी गई हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में BA, BSc, BCom, जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा विद्यार्थी हैं, वहाँ पर हमने हर एक क्लास को 2-2 दिन दिए। BA में, BCom में फर्स्ट ईयर अगर आएगी 2 दिन आएगी, सेकेंड ईयर 2 दिन आएगी, थर्ड ईयर 2 दिन आएगी, और BSc में हमने ऐसा किया क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस इन्वॉल्व हैं, तीनों क्लासेस डेली आएंगी, पर 50% स्ट्रेंथ के साथ आएंगी। प्रैक्टिकल्स भी चल रही हैं, हमारी प्रायोरिटी है कि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस में भी जो भी समस्याएं एड्रेस होने से रह गई हों, जो भी बच्चों को दिक्कत आई हो, अब वो इन पर्सन महाविद्यालय के प्रोफेसर से, सभी से, अध्यापकों से मिल करके अपनी समस्याओं को दूर करवाएं। अंजू बत्ता सहगल ने बताया कि सुबह 9:30 बजे से कक्षाएं शुरू हो गई हैं और 4:30 बजे तक कक्षाओं को चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छात्रों को भी हिदायत दी गई है कि कॉलेज परिसर में कोरोना की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें।
और जो SOP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, HP गवर्नमेंट का हमें मिला है उसको पूर्णतः फॉलो किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, थर्मल स्कैनिंग है, हैंड सैनिटाइजर्स हैं, बार बार हाथ धोने के लिए कहा गया है, हमारे सफाई कर्मचारी हर बिल्डिंग में तैनात हैं, वो भी बार बार सफाई का ध्यान रख रहे हैं। किसी तरह की ऐसी कोई परेशानी हमारे हिसाब से महाविद्यालय में आनी नहीं चाहिए। हमारा टाइम टेबल सुबह 9:30 से शुरू हो गई है क्लासेस, 40-40 मिनट की क्लासेस हैं और ये शाम तक चलती हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस तो 4:30 बजे तक चलती हैं।